तो हमारी जो किशनगढ़ शैली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शैली है और किशनगढ़ की जो चित्रकला है उसके बारे में अगर बात की जाए तो एरिक डिक्सन ने कहा है राजस्थान की अथवा भारत की मोनालिसा मोनालिसा पेंटिंग के बारे में मैं आपकी बात देखता हूं कि मोनालिसा पेंटिंग किस प्रकार की है वो आप देख लीजिए ये है कितनी शानदार पेंटिंग मोनालिसा इस मोनालिसा को जो जिसने पेंटिंग किया है लियोनार्डो नार्दो विंची ने पेंटिंग किया है किसने किया है लियोनार्डो नार्डोची अच्छा आ, इस पेंटिंग की कीमत की अगर बात करें सिक्सटी सेवन अगर बात करें इस पेंटिंग की कीमत है अब आप सोचेंगे कि यार इस पेंटिंग की इतनी कीमत कैसे भाई गजब बात है आपके मन में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा लेकिन इस पेंटिंग की कीमत है इस मोनालिसा की मुस्कुराहट तो मोनालिसा इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियो नार्डो देविंची द्वारा चित्रित चित्र है जिसकी मुस्कुराहट की वजह से इस पेंटिंग का कीमत मूल्य और देखिए मैं आपको तो बता देता हूं एक बहुत अच्छी बात आपके लिए भी मेरे विद्यार्थियों के लिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबके लिए कि मोनालिसा की ये मुस्कुराहट जब सड़सठ करोड़ रुपए में बिक सकती है तो आपकी मुस्कुराहट की तो कीमत लगा ही नहीं सकता और जीवन में जो कुछ है दोस्तों मुस्कुराहट है मुस्कुराइए मुस्कुराने के बहुत सारे तरीके हैं 18 तरीके हैं मुस्कुराने के आप कौन सी मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं और अगर दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया जा सकता है तो मुस्कुराहट से प्रभावित किया जा सकता है एक विद्यार्थी का सवाल भी मेरे से था एक विद्यार्थी ने सवाल किया आप में से ही है कि गुरु जी इतना सारा जीके कैसे याद कर लेते हैं आप बात तो बहुत शानदार है आपकी उत्तर भी जरूरी था पर उस समय मैंने उसको उत्तर नहीं दिया और आज मैं आप सभी को उत्तर देना चाह रहा हूं लियोनार्डो दे विंची का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस स्प्रेंस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा के पेंटर हैं तो मतलब एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी है विंची तो शहर का नाम है बेटा तो बड़ा नाम था एक महिला लियोनार्डो दा विंची के पास आती है और गिव मी ऑटोग्राफ प्लीज और दा विंची ने दस सेकंड में एक ऑटोग्राफ दे दिया और एक पेंटिंग बना दी और उस महिला से बोल दिया कि अगर आप बेचना भी चाहें इस ऑटोग्राफ को तो आप दस लाख में बेच सकते वो महिला काफी हतप्रभ हो गई कि ठीक है सेलिब्रिटी है लेकिन ये जो मुझे पेंटिंग दस सेकेंड में बनाकर दी है दस लाख में कैसे बिक सकती है जो सवाल आपके मन में कि इतना सारा कैसे याद है वही सवाल उस महिला ने अपने दिमाग में पैदा किया कि दस सेकंड में दस लाख की पेंटिंग कैसे है क्या ये पॉसिबल है गजब मामला हो गया महिला ने पेंटिंग के मार्केट में उस ऑटोग्राफ को लेके गई क्योंकि एक छोटी सी पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो दिंसी की पेंटिंग थी आसानी से उस पेंटिंग की कीमत उसको बीस लाख मिल गई आसानी से इजी वे मैम वो तो महिला पागल हो गई कि ये कैसे हो सकता है मैं तो दोबारा मिलूंगी लियोनार्डो विंची से और लियोनार्डो विंची के कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही थी कि कब कहां पर उनका कोई सेमिनार वगैरह होता है मोटिवेशनल सेमिनार कलाकारों के सम्मान का कोई सेमिनार तो वो उसका इंतजार कर रही थी और फिर एक मौका मिला लियोनार्डो विंची के सेमिनार में पहुंच गई वो महिला और वहां जैसे ही पहुंची अपने सेमिनार में वो भी अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे लेकिन उन्होंने अकेले में उनसे मुलाकात की कि सर मैं बड़ी परेशान हूं और परेशानी का कारण यही है कि ये दस सेकंड में आपने दस लाख की पेंटिंग जो मुझे बनाकर दी थी मैं आपको याद आ रहा है आपने मेरे मेरे को ऑटोग्राफ दिया था लियोनार्डो ने कहा मैंने मुझे सब याद है मैंने आपसे कहा था कि आप बेच लेना दस लाख रुपए में और वो पेंटिंग मैंने बीस लाख में बेची है ऐसा कैसे हो सकता है ये सेकंड में आपने ये पेंटिंग इस लाख की कैसे बना दी तब लियोनार्डो दा विंची ने कहा था मैडम ये पिछले पचास सालों का एक्सपीरियंस है ये आज सेकंड का नहीं है इसमें पचास साल खपा मैंने पचास साल बाद में जाकर आंख मीच के भी अगर मैं कलम चलाता हूं तो पेंटिंग निकल कर निकलती है तो आप समझ रहे हैं कि ये इतना याद कैसे है तो ये एक्सपीरियंस की, की बात होती है अनुभव की बात होती है जैसे जैसे आप विषय वस्तु को समय देंगे जैसे जैसे आप प्यार करेंगे अपने टॉपिक से आख नीच कर भी आप पढ़ा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला विद्यार्थी को बहुत आनंद आएगा अपने सब्जेक्ट के प्रति समर्पण होता है तो मुस्कुराइए आप सर-सर तो करोड़ रुपए की पेंटिंग है ये और इसकी कीमत मुस्कुराहट के दम पर है बहुमूल्य है चलिए मैं बनीठनी की जो बात करना चाह रहा था आपसे ये आप बनीठनी भी देख लीजिए ये हमारी बनीठनी शैली है अपने आप में सुंदर चित्र है पारदर्शी वेशभूषा है ड्रेस कोड है बल खाते हुए बालों की लटकन है नासिका भी बहुत लंबी है और गुलाबी और श्वेत रंग की प्रधानता है और एक बहुत सुंदर महिला है आभूषणों से सुसज्जित है मोनालिसा में कोई आभूषण नहीं है फिर भी मोनालिसा इससे ज्यादा है तुलना की गई है भारत की मोनालिसा कहते हैं इसको एरिडिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है फ़याज़ एरिक डिक्सन, इन दोनों को जाता है इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय नागरी दास ने अपने दरबारी चित्रकार मोरध्वज निहालचंद से चित्रित करवाया तो ये तो कई बार हमारे एग्जाम में सवाल भी बनकर आया है ये अपने आप पे एक बहुत बड़ी बात है तो लिखे फिर अपन बनी ठनी चित्र शैली चलिए तो लिखे आप किशनगढ़ चित्र शैली